गौरीकुंड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर तक यह जाम लगा है। जाम लगने के कारण जो तीर्थ यात्री हैं वो सोनप्रयाग से पैदल चलना ही पसंद कर रहे हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का 5 किलोमीटर का सफर, लेकिन रास्ते में जाम ही जाम। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले यात्री घंटों परेशान हो रहे हैं। यहाँ हालात ये हैं कि 5 किलोमीटर की दूरी में 2 किलोमीटर तो गाड़ियों का जाम ही लगा हुआ है। फिर ऐसे में यात्री अपना सामान लेकर पैदल ही गौरीकुंड के लिए चल पड़े हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे ये 5 किलोमीटर का सफर यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड में तीर्थयात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि 5 किलोमीटर का सफर तीर्थयात्रियों को 1 से 2 घंटे में पूरा करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड शटल सेवा वाहनों के कारण लंबा जाम लग रहा है। इस समय हम गौरीकुंड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर तक यह जाम लगा है। जाम लगने के कारण जो तीर्थयात्री हैं वो सोनप्रयाग से पैदल चलना ही पसंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तीर्थयात्री यहाँ पे लगातार पैदल चल रहे हैं, जाम के कारण वाहनों में नहीं चल रहे हैं। ऐसे में जो तीर्थयात्री हैं वो अतिरिक्त 5 किलोमीटर का सफर तय करने को मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं, वो काफी देर से जाम में फंसे हुए थे। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें हुई। आपका नाम? सचिन यादव। कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश कानपुर से। कब से जाम में फंसे हुए हो? 2 घंटे हो गया। कहाँ जाना था? केदारनाथ। तो अब तो आप टाइम पे जा नहीं पाओगे, तो क्या करोगे? रुकना पड़ेगा क्या? जो यात्री हैं वो समय पे केदारनाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, जाम के कारण उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। आप कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश कानपुर से। क्या कब से जाम में फंसे हो? जाम में 1.5-2 घंटा हो गया जाम में फंसे हुए। अब आगे क्या पता यात्रा बंद हो जाए। अगर यात्रा आगे नहीं जाने दिया जाता है गौरीकुंड से, तो क्या करोगे आगे? अब इंतजार करना पड़ेगा, और क्या करेंगे बस। ऐसे में जो तीर्थयात्री हैं वो लगातार जाम में फंसते जा रहे हैं, और जाम लगने के कारण जो यात्री हैं वो समय पर केदारनाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उनका एक दिन का जो अतिरिक्त समय है वो यहीं लग जा रहा है। प्रवीण थेमाल।